जिससे हमारी बॉडी में जो जलन होती है, अकड़न होती है और झंझनाहट होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। कुछ गलतियां ऐसी थी उसमें से कि स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि भी भाई ये चीज ऐसे ऐसे करते हैं, प्रॉपर वे होता है इन चीजों को करने का। हेलो एंड नमस्कार सभी को, होप सारे अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और हिम्मत नहीं आनी है भाई, बस लगे रहो, ऐसे ही मरना है वैसे ही मरना ही है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग ज्यादातर फोकस पैरों पे और हाथों पे करते हैं, तो बट हम लोग उस चीज की केयर नहीं करते जहाँ पे प्रॉब्लम है। हमारे प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम है स्पाइन में, तो हम लोग उसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि भाई हाँ यार उसकी स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते, उसको हेल्दी नहीं रखते हैं। तो ये इन्हीं चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि स्पाइन स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। जब तक आप उसको स्ट्रेच नहीं करोगे, उसकी केयर नहीं करोगे, तब तक, क्योंकि बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ही हमारा स्पाइन के ऊपर टिका हुआ है। तो मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में की थी, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में की थी, बट कुछ गलतियां ऐसी थी उसमें से कि स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि भी भाई ये चीज ऐसे ऐसे करते हैं, प्रॉपर वे होता है इन चीजों को करने का। तो मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए बताता हूँ आपको। और वो गलतियां आप मत करना कि भाई जो गलतियां मैं करता था स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं होता कि भाई स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, सोचता है कि भाई 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा बंदा, भाई ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहली जो है वो है ब्रिज पोज। तो इसमें इस चीज के इतने सारे फायदे हैं कि भाई आपको पैरों में भी इससे पावर आएगी, कमर में स्ट्रेंथ आएगी। ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है इसको करने का, और इससे स्पाइन में भी पावर आती है, स्पाइन भी इससे स्ट्रेच होती है। थोड़ा बताता हूँ आपको कि भाई हम गलती क्या करते हैं स्टार्टिंग में, मैंने भी की थी ये गलतियां। तो सबसे पहले आप कमर को ऊपर उठाइए, कर लिया जितना ले जा सकते हो इतना नॉर्मल। अगर अब कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई अपने जो एक कंधे होते हैं ना, कंधे से जोर लगाते हैं कि भाई हाँ ऐसे करके छाती छाती भी अपनी फुला लेते हैं। तो भाई उस चीज का कोई फायदा नहीं है, उस चीज का करने का कोई फायदा नहीं। मेरे इस पैर में, राइट लेग में रॉड पड़ी है, वो वीक है। तो फिर उसके बाद फिर अगर हम ऐसे करते हैं तो इसको कम से कम होल्ड कर लो थोड़ी देर के लिए, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड तक के लिए होल्ड कर लो। तो उसके बाद फिर तब 90 डिग्री पर रखो, होल्ड कर लो, फिर उसके बाद फिर तब नीचे करो। तो ये चीज आपके लिए सही रहेगी, कंटिन्यूसली ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, भाई कोई फायदा नहीं है करने का। नेक्स्ट पोज है कोबरा पोज। इसमें आप उल्टा लेट के, तो मैं तो बोलता हूँ स्टार्टिंग में अगर आप इतना करोगे ना, इतना करोगे, इससे स्पाइन इतना स्ट्रेच होता है ना, जितना आप, अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई स्टार्टिंग में जब ऐसे करोगे आप, तो फिर उसके बाद फिर आप, मैं तो बोलता हूँ कि भाई ये चीज करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कमर का कबाड़ा हो जाता है भाई। तो स्टार्टिंग में तो आप अगर इतना कर रहे हो ना, इतना कर रहे हो, बस इतना कर रहे हो ना, ये इफेक्टिव है आपके लिए, तो आप ये चीज कर सकते हो। बट इस चीज को ना होल्ड करके रखना बहुत जरूरी है, जितना होल्ड करके रखोगे आप उतना आपको फर्क पड़ेगा। पोजिशन है लोटस पोज। तो इसमें आपको क्या करना है कि भाई गर्दन ऐसे ऊपर उठानी है। आप कुछ क्या करते, कंधे ऐसे ऊपर उठा लेते, भाई ऐसा नहीं करना है। आप बस ऐसे करो, ऐसे सिंपल ऊपर ऊपर जाओ और होल्ड करो, जितना होल्ड करोगे आपके उतने स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इससे स्पाइन स्ट्रेच होगा इससे। और आप अपने पैरों को पीछे, पैरों को भी उठा सकते हो ऐसे करके, पीछे पैरों को भी उठाओ और ऐसे भी उठाओ, उठा सकते हो। या फिर आप अपने यहाँ पे, यहाँ पर कंधे के पास वेट बेल्ट भी रख सकते हो, 1 किलो 2 केजी, तो उससे बेटर, उससे थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उससे और ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी। तो नेक्स्ट पोज है कैट पोज। आप ऐसे कर सकते हो, ऊपर अपने जो स्पाइन को है ऊपर की तरफ करिए, और फिर उसके, कुछ लोग ऐसे करते हैं ऐसे 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 ऐसे, भाई ऐसे ऐसे करोगे तो भाई कोई फायदा नहीं है इस चीज को करने का। ऊपर करो, होल्ड करो 5 सेकंड 10 सेकंड कर सकते हो, तो होल्ड करो, फिर रिलीज कर दो, फिर काओ पोजीशन पे आ जाओ, फिर कैट पोजीशन पे, ऐसे ऐसे 5-10 सेकंड का वो करके, अरे ज्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा कर दोगे तो आप 20-30 बार ऐसे कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने यही की थी। बट गलतियां थी ना, कुछ ऐसी ऐसी गलतियां थी कि भाई मैं कंटिन्यूसली करता था, तो फिर तो उससे, तो ये था स्पाइन स्ट्रेचिंग के लिए एक्सरसाइज। इसको करने से हमारी जो बॉडी होती है ना, काफी, मतलब हमारी स्पाइन में पावर आ जाती है। इससे हमारी बॉडी में जो जलन होती है, अकड़न होती है और झंझनाहट होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। और इसी की वजह से थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, इन चीजों में फर्क पड़ता है, बाकी और चीजें भी होती हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, जल्दी अपलोड करूंगा उसका, वॉकिंग का 2 किलोमीटर तक चलने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और अपना ख्याल रखना।